Hi guys, don't mug up, try to build up rational and logical state. तो वेलकम है आपका जीनियस स्टडी चैनल पे. दिस इज एन के राव फ्रॉम जीनियस स्टडी चैनल. डोंट मग अप, ट्राई टू बिल्ड अप रैशनल एंड लॉजिकल स्टडी. पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जी. सूचना आज हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करेंगे. आज है 24 दिसंबर का. तो पहला क्वेश्चन 24 दिसंबर का, सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र किस स्थान पर स्थापित है? तो किस स्थान पर है जी? तो आपको एक गुरुग्राम में है. जो गुरुग्राम है कहाँ है? तो हरियाणा में. तो हरियाणा के बारे में कुछ करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं जी. तो हरियाणा में अभी हाल फिलहाल में फैमिली प्लानिंग रसद प्रबंधन सूचना प्रणाली स्टार्ट किया गया है जी. इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर हरियाणा में स्थापित किया गया है जी. शिक्षा सेतु ऐप हरियाणा के द्वारा स्टार्ट किया गया है. आयुर्वेद एंड हर्बल दवाओं को बनाने के लिए बढ़ावा के लिए हर्बल निगम की स्थापना की गई है. हरियाणा का बात की जाए तो हरियाणा में अभी सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र के लिए भी स्टार्ट किया गया है, जो हमारे भारतीय नेवी के द्वारा किया गया है जी. ये आगे पढ़ते हैं. जो कैपिटल कहाँ है हरियाणा का? तो चंडीगढ़ है. सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर है. वहाँ पे सत्यदेव नारायण आर्य कौन है जी? गवर्नर है वहाँ के. सुल्तानपुर नेशनल पार्क आपको हरियाणा में. तो इस क्वेश्चन से हम लोग इतना सब सीखे. तो आप देख सकते हैं कि जो भी स्टैटिक क्वेश्चन है उसको भी हम लोग साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे, जिससे हमारे क्या होगा जी, एग्जाम में हेल्प मिलेगा. अब तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी रिकमेंड करें. मैं बता देना चाहूँगा कि ऑनलाइन जीनियस स्टडी चैनल पे, ऑनलाइन रेलवे स्टडी चैनल पे आपको जाइएगा. आपको रेलवे हेल्प एंड टेक्नीशियन के सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल हैं. आप वीडियो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं जी. तो चलिए अगले क्वेश्चन दो नंबर पर बात करते हैं जी. भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग की नौवीं बैठक किस शहर में आयोजित की है? तो क्या जी, इंडियन साउथ कोरियन, साउथ कोरियन संयुक्त बैठक कहाँ की गई है जी नवी? तो आपको ये न्यू दिल्ली में की गई है. न्यू दिल्ली का देख सकते हैं जी. तो बात करते हैं संयुक्त साउथ कोरिया यानी दक्षिणी कोरिया के बारे में. तो दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है अभी? तो मून की इन है जी. कैपिटल कहाँ है जी? तो सियोल में है इसकी. साउथ कोरिया कैपिटल क्या है जी? सियोल है. करेंसी कौन सी है? तो साउथ कोरियन वन है जी. बात की जाए साउथ कोरियन को, तो आपको सुबह की शांत भूमि भी किसको कहते हैं जी? साउथ कोरिया को कहते हैं. साउथ कोरिया किस एरिया में पड़ेगा? तो साउथ कोरिया आपको पड़ेगा ईस्ट एशिया में पड़ेगा. किधर पड़ेगा? ईस्ट एशिया में पड़ेगा जी. अब देखिए यहाँ पे दिल्ली में हुआ है. तो दिल्ली के बारे में कुछ जान लेते हैं जी. तो दिल्ली के बारे में बात की जाए, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है जी? तो अनिल बैजल है. सीएम कौन है? तो अरविंद केजरीवाल हैं जी. कैपिटल न्यू दिल्ली हुई. दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, कभी कभी उसको स्टेट भी माना जाता है जी. ठीक है ना. एनसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल कैपिटल रीजन होता है जी. बात की जाए तो राजेंद्र मेनन कौन बने हैं जी वहाँ पे? चीफ जस्टिस बने हैं दिल्ली के. दिल्ली के बारे में हम लोग और भी बहुत सारे पिछले वीडियो आप जाकर देखिएगा. दिल्ली के बारे में बहुत सारे रिवीजन कराया गया है जी, आप जाकर उन सबको रिवीजन कर लीजिएगा. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जी. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है जी? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं जी? इस वीडियो का हम लोग टारगेट रखते हैं 1800 का जी. तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा जरूर, और लाइक तो बनती है, प्लीज़ लाइक करें या डिसलाइक करें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा जी. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क सीमा बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने जी? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क के नए अध्यक्ष कौन बने जी? तो आपको ये बने हैं जी, प्रणव कुमार दास बने. कौन बने हैं जी? प्रणव कुमार दास. तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका. आंसर क्या हो जाएगा जी? डी हो जाएगा. सीबीआईसी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जी. सीबीआईसी का होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स. क्या होता है जी? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम होता है. सीबीआईसी का फुल फॉर्म होता है जी. तो आप लोग इसका आंसर याद रखिएगा. प्रण कुमार दास कौन है जी? तो सीबीआईसी के हैं अध्यक्ष.
भूपेश बघेल किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं जी? तो किसके बने हैं जी? भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सीएम बने हैं जी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है जी? तो आनंदीबेन पटेल हैं जी। चलिए कुछ नए जो नए राज्य हैं जिनमें इलेक्शन हुआ है अभी, नए सीएम बने हैं, तो उनको भी एक बार रिविजन कर लेते हैं जी। मिजोरम के कौन है जी सीएम? तो जोरमथंगा है। एमपी के कमलनाथ है। राजस्थान के कौन है? अशोक गहलोत सीएम बने हैं। डिप्टी सीएम कौन बने हैं जी राजस्थान के? तो सचिन पायलट बोले हैं बने हैं जी। तेलंगाना के कौन बने हैं जी? तो के चंद्रशेखर राव वहीं बने हैं जो पहले थे जी। तो हम लोग इस क्वेश्चन से इतना सीखें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 का खिताब किसने जीता? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 का खिताब किसने जीता जी? तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 का खिताब श्री सैनी ने जीता है। किसने जीता है? श्री सैनी ने जीता है। बात करते हैं मिस वर्ल्ड कौन बनी है जी? तो बेनेसा पेंडी लियोन बनी है, मेक्सिको की रहने वाली है। बेनेसा पेंडी लियोन बनी है, मेक्सिको की रहने वाली मिस वर्ल्ड बनी है। मिस यूनिवर्स कौन बनी है जी? तो कैट्रियाना ग्रे बनी है। कैट्रियाना ग्रे बनी है कहाँ की है जी? तो ये फिलीपींस की रहने वाली है। तो एक बार याद कर लीजिएगा मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड वाइड, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड और मिस यूनिवर्स, ये सब एक बार फिर से देख लीजिए। मिस यूनिवर्स कौन है जी? कैट्रियाना ग्रे हैं फिलीपींस की। और मिस वर्ल्ड कौन है जी? तो वेनेसुआ पेंडी लियोन मेक्सिको की है। तो इस क्वेश्चन से हम लोग इतना सीखें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखिए 37वीं सीनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप किस शहर में हुआ जी? तो पुणे में हुआ। आपको किस शहर में हुआ जी? तो पुणे में हुआ। जनवरी 2019 में बड़ी इंटरनेट और प्रौद्योगिकी कंपनियों पर कौन सा देश अपना कर लागू करेगा? कौन करेगा? तो फ्रांस करेगा। आपको भी पता है जी गाफा हम लोग स्टार्ट करते थे, गूगल एप्पल फेसबुक और अमेजन पे क्या करेगा? ये टैक्स लागू करेगा फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है इसकी राजधानी वो किस है? सीन नदी पे जी। एकीकृत सरकार ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है जी? तो कार्मिक लोक शिकायत एंड पेंशन मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। इसे देख सकते हैं जी। हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा सेतु ऐप लॉन्च किया जी? अभी हम लोग हरियाणा के रिविजन के थे, उसमें क्या था जी? शिक्षा सेतु था। तो शिक्षा सेतु हरियाणा की सरकार ने लॉन्च किया है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन है जी, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में सिलाव खाजा को GI टैग मिला है, ये किस राज्य की पारंपरिक मिठाई है? तो किस राज्य की पारंपरिक मिठाई है जी? तो बिहार का, नालंदा जिला का आपको है। तो यहाँ से हम लोग सिलाव खाजा है जो आपको बात की जाए। यहाँ के GI टैग तो कौन देता है जी? तो GI टैग आपको देते हैं भौगोलिक जो रजिस्ट्री है, जो आपको भौगोलिक संकेतिक रजिस्ट्री जो है आप चेन्नई में संस्था है जो GI टैग देती है, उसने क्या दिया जी? तो GI टैग का दिया है जी। बात की जाए पटना के, तो CM कौन है जी? तो नीतीश कुमार है। गवर्नर कौन है जी? लालजी टंडन है। डिप्टी CM कौन है जी? तो सुशील कुमार है जी। तो हम लोग ने आज के दिन इतना कुछ सीखा, आप देख सकते हैं जी। बात करते हैं क्वेश्चन अपडेट की। तो आज आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 11, अपने पशु समर्थन प्रयासों के लिए किस अभिनेत्री को 2018 के लिए पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर का नामित किया गया, आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसका आंसर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। एंजॉय योर लाइफ। गॉड ब्लेस यू।